हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन डायरी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है थर्सडे और मैं वो चला गया स्कूल। सुबह के बज रहे हैं 11। 11 बजे मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आज का। बाकी कुछ मॉर्निंग के छोटे छोटे क्लिप्स थे जो मैंने बनाए हैं, वो अभी आप जाके देखिए। फिर अभी करते हैं हम आज के दिन की शुरुआत। तो अभी हम जा रहे हैं खेत, क्योंकि आपको पता है गेहूँ की कटाई चली हुई है। तो जाके आते हैं, उसके बाद नहाऊंगी मैं। अभी तक नहाई नहीं हूँ। मैंने सोचा फिर खेत के काम से आकर ही नहाते हैं। तो चलिए चलते हैं, तब तक आप सुबह के जो क्लिप्स हैं उनको देख के आइए। तो देखिए, ये हम खेत से तोड़ कर लाए थे धनिया। देखिए इस तरह से धनिया तैयार होता है। अब ये देखिए बीज बन के, इनको इन बीजों को निकालना होता है ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के, फिर सुखा के बन जाता है धनिया, जो कोरिएंडर भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए धनिया एक घर का है हमारे, तो हमने लगाया था क्यारी में नीचे। तो देखिए इस तरह से हुआ है। अभी इसको साफ करना पड़ता है। देखिए जो इसमें ये कचरा वगैरह भी आ गया ना, डालियाँ वगैरह कचरा भी है, इसको क्लीन करेंगे अभी हम तोड़ने के बाद। तो इस तरह से धनिया तैयार होता है। ये तोड़ के रख दिया था देखिए। और इसके बाद करना था मुझे देखिए वॉश बेसिन क्लीन। तो देखिए इसकी हालत ऐसे हो रखी थी कुछ। नीचे जो ये जाली जैसी होती है, इसमें भी देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो जाती है जाली भी। तो इसको भी क्लीन करूँगी आज डीप क्लीन। तो मैंने लिए यहाँ पर हार्पिक, जो बाथरूम क्लीनर आता है वो वाला। तो इसको ऐसे मैंने लगाया, थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ऐसे ही छोड़ दिया था लगा कर। फिर उसके बाद इसको करूँगी मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन अच्छे से इस तरह से। फिर मैंने यूज़ किया ये वाला स्क्रबर, जो ये आते हैं ब्रश जो आते हैं स्क्रबर वाले, इसको यूज़ करी थी मैं यहाँ पर क्लीन करने के लिए। इससे काफ़ी ईजिली क्लीन हो जाता है अच्छे से। और साथ में लिया था मैंने एक टूथब्रश, ब्रश जो पुराने होते हैं उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ ऐसे क्लीनिंग के लिए। तो ये जो कॉर्नर वगैरह होते हैं टैप के, यहाँ पर भी काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है। तो इस तरह से मैं क्लीन कर रही थी इसको अच्छे से, टैप को भी, नीचे जो जाली होती है इसको भी इसी ब्रश की हेल्प से मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर टैप के ऊपर तो पानी के दाग भी लग जाएँ, वो भी दिखते हैं बड़े अच्छे से। तो इनको क्लीन करना ही पड़ता है अच्छे से, तभी चमक आती है इनमें। तो इस तरह से फिर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया टैप को भी साथ के साथ। ये जो जाली नीचे दिख रही है आपको, इसको भी क्लीन कर लेंगे हम अच्छे से इसी ब्रश से, क्योंकि छोटा वाला ही ब्रश यूज़ होगा यहाँ, जाली छोटी है। तो इससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था ये। तो इस तरह से किया फिर मैंने ऊपर वाली साइड से क्लीन, फिर मैं साइडों से भी इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हाथ वगैरह लगते रहते हैं कभी मीवू यहाँ पर। ये तो वैसे डेली क्लीन होते हैं, पर मैंने सोचा आपको भी थोड़ा सा दिखा दूँ। ये जो नीचे वाली जालियाँ हम छोड़ देते हैं, इनको ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं हम। देखिए कितना हो रहा था यहाँ पर भी। और ये जाली देखिए इस तरह से, ये भी गंदी हो जाती है। स्टील की है वैसे, ये लगती लोहे की है। फिर जैसे जैसे इसके ऊपर पानी गिरता रहता है गंदा, तो ये काफ़ी गंदी हो जाती है। तो इसको भी इस तरह से मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था यहाँ पर। फिर मैंने ये कपड़ा लिया यहाँ पर, टावल टाई भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसको मैं क्लीन करूँगी बाहर वाली साइड को अच्छे से इससे इस तरह से। देखिए अब क्लीन करने के बाद मिरर भी मैंने क्लीन कर लिया था अच्छे से। फिर इस तरह से हो गया था ये सारा वॉश बेसिन क्लीन। फिर गए थे हम यहाँ पर देखिए खेत, कुछ गेहूँ काट लिए हमने पहले ही। तो इसको फिर देखिए इस तरह से सूखने डाला हुआ कुछ कट कर रहे थे हम यहाँ, मैं और मम्मी गए थे अभी। तो कुछ डैडी जी ने शाम को ही काट दी थी यहाँ पर, कुछ थोड़ी सी काटी मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से। इस तरह से गेहूं की कटाई होती है, हम लोग यहाँ हाथ से ही करते हैं। हमारे यहाँ मशीनें वगैरह अभी चल तो पड़ी हैं, बट इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती मशीनों की। आपको पता है एक दो खेत हैं जो बच गए हैं, मतलब बाड़ वगैरह लगाने से, नहीं तो पशुओं ने सारी गेहूं ख़राब कर दी है। ज़रा भी गेहूं है नहीं है इस बार, बहुत ही कम हुई है। तो एक दो ही खेत थे जो इस तरह से बचे हुए थे बड़ी मुश्किल से। तो अब मतलब बड़ा मुश्किल हो गया है इन चीज़ों को पशुओं के साथ। थोड़ा बारिश भी टाइम से नहीं होती है, तो अब फसलें वैसे नहीं होती जैसे पहले होती थी, तो काफ़ी दिक्कत होती है अब।
तो इस तरह से की फिर हमने थोड़ी सी कटाई यहाँ ये कुछ कट करके देखिए रखती हैं साइड में, देखिए इनको बोलते हैं पुल्ले। जो अब हम इनको मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे बांधते हैं तो इसको हम पुल्ला बोलते हैं हमारी यहाँ लोकल लैंग्वेज में। इस तरह से फिर छोटे छोटे बांधने होते ताकि ये अच्छे से सूख जाए, तो यार इसलिए मैंने हरे सी डाली हैं यहाँ पर। इनको किया मैंने बंद यहाँ, ये बन गया हमारा पुल्ला, इसको पुल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो इस तरह से छोटी छोटी कासियाँ, कासियाँ भी बोलते हैं, बना के रखनी होती ताकि ये अच्छे से सूख जाए। फिर जो कुछ को धूप लगी थी सुबह की, तो उनको हमने उलट पलट करके धूप में, कुछ छाया में थे कुछ उनको धूप में किया ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए, फिर थ्रेशिंग के लिए तैयार हो जाएगी गेहूँ। इस तरह से किया फिर हमने इनको अदल बदल। तो 12 बज गए, खेत से आके मैं नहा गई थी और अभी मुझे करने हैं सोफे के कवर चेंज। मैंने जो वॉश करने वाले थे वो मैंने वॉश कर दिए कर ली, अब मैं सोच रही थी दूसरे बिछा देती हूँ थोड़ी टाइम के लिए, तो चलिए उनको बिछाते हैं अभी सोफे के कवर को। तो आज मैंने सोचा है कि ब्लू वाले ट्राई करती हूँ। सारे ओरिजिनल प्लांट जो मैंने अंदर रखे हुए थे इनको रख दिया मैंने बाहर धूप में। कभी कभी धूप लगवानी भी ज़रूरी होती है इनको थोड़ी सी, तो एक दिन और एक रात के लिए मैं इनको बाहर ही छोड़ूंगी ताकि इनको अच्छे से थोड़ी जो धूप चाहिए होती है कभी कभी तो मिल जाए वो। तो मैंने रख दिया यहाँ पर इनको सबको धूप में। जल्दी से इस रूम का भी चेंज कर लेती हूँ कवर, क्योंकि 12:30 हो गए हैं, वो बस 5 मिनट में आने वाला है, 1 मिनट में मुझे चेंज करना है। चलिए अब चलते हैं, मेरे को लेकर आते हैं स्कूल, बस आने वाली है उसकी। आपसे थोड़ी देर बाद साथ के साथ ही फ्रूट्स भी ले जाती हूँ कट करने वाले। मीबू को मैं ले आई थी, फिर 2 बजे का टाइम था और हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, तो फिर यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बना रही थी मैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था बेसन, बेसन में मैंने चॉप करके डाला यहाँ पर प्याज, फिर देखिए मैं यहाँ पर डालूंगी अब नमक, तो 2 चम्मच मैंने नमक डाला यहाँ पर। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये गरम मसाला ऐड किया, थोड़ी सी मैंने कलर के लिए हल्दी भी डाली थी यहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल। तो इस तरह से फिर मसाला रेडी हो गया हमारा। अब इसको पानी डाल के हमें मिक्स करना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही थी क्योंकि ज़्यादा इसको पेस्ट को मुझे पतला नहीं करना था, थोड़ा थिक ही रखना होता है इसको। तो इस तरह से मैं बैटर बना रही थी इसका, जो कोट करते हैं हम ब्रेड पकौड़ा के लिए उसका बन रहा था यहाँ पर बैटर। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी देखिए इस तरह से ऐड कर रही थी ताकि पतला ना हो जाए कहीं।
इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें, मिक्स करके देखिए ऐसे लम्स वगैरह ना रहें ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने बेसन की। तो अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया था थोड़ी देर, फिर अच्छे से देखिए बैटर रेडी हो गया था मेरा इस तरह से। ये वाली जो कंसिस्टेंसी है इसकी वो ये वाली चाहिए थी मुझे, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए था ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया है बैटर रेडी यहाँ पर इस तरह से। फिर मैंने इसमें ऐड किया देखिए थोड़ी सी और हल्दी डाल दी मैंने, मुझे कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा मैंने डाला इसमें बेकिंग पाउडर आधा सा चम्मच। तो इस तरह से फिर देखिए ये बैटर रेडी हो गया। जो बेकिंग पाउडर है वो ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऐसे ज़रूरी भी नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर इससे कोट किया मैंने, और यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए एक तो डाल दिया था यहाँ इस तरह से, देखिए फ्राई हो रहे थे ये। ऐसे हमने स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा खाए थे, स्कूल टाइम में हमें मिलते थे ये वाला ब्रेड पकौड़ा, पता नहीं 5 रुपए की ऐसे एक ही पीस मिलता था, मतलब पूरा एक और कट करके देते थे वो, तो 2 पीसेस आते थे, पता नहीं 5 का एक ही आता था, मुझे ध्यान नहीं रहा इतना, पर टेस्ट वही था जो स्कूल में मिलते थे, वही टेस्ट आ रहा था पूरा। तो स्कूल टाइम की याद आ गई यहाँ पर। तो इस तरह से कोट किया मैंने इसको देखिए बेसन से अच्छे से, फिर मैंने यहाँ पैन में इसको बना लिया था देखिए, ये रेडी हो गया था मेरा एक ब्रेड पकौड़ा इस तरह से। अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक मैंने इसको फ्राई किया था मीडियम फ्लेम पर, तो देखिए ये रेडी हो गया। देखिए अभी बारी बारी सब दूसरा भी बना लूँगी मैं, तो मुझे लग रहा था दूसरी साइड से नीचे वाली साइड से क्रिस्पी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा क्रिस्पी करना था इसको, तो मैंने फिर से डाल दिया था इसको बीच में ही। तो देखिए अब मैं इसको निकाल लूँगी, क्रिस्पी हो गया अच्छे से, पक गया ये अंदर तक, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ फिर दूसरा डालूँगी देखना। यहाँ पर मैंने तेल कम ही लिया है क्योंकि इसको फ्राई करने के लिए मतलब थोड़ा सा चाहिए हमें डिप करने के लिए, इतना सा ठीक होता है ऑयल। देखिए इस तरह से इसको मतलब जो ब्रेड होता है उसको अच्छे से कोट करना पड़ता है, नहीं तो जो ब्रेड होता है आपका वो सारा तेल मतलब पी लेता है वो उसको सारे को, तो अच्छे से इसको कोट करना पड़ता है ताकि जो हमारा ऑयल है वो अंदर ब्रेड तक ना पहुँचे, बाहर बाहर से ही फ्राई हो। तो इस तरह से बनाए फिर हमने ब्रेड पकौड़े। तो अभी टाइम हो रहा है शाम की, बजे देखिए 6:30, और मेरे को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया था तो इसको नींद आ रही है, तो मैंने इसको बोला थोड़ी देर बाहर घूम ले ताकि इसकी नींद चली जाए। तो अभी मैंने इसको लगाया फूलों को पानी देने के लिए, चलिए आपको दिखाती हूँ। ग्रो हो जाते हैं फिर पानी देने से। आराम से दो, तो थोड़ा थोड़ा देते हैं, छोटे वाले पॉट है ना ये, तो इनको थोड़ा थोड़ा देते हैं, बहुत थर्स्टी है ये, सबको दे दिए, इधर इधर दे दिए सबको, इसमें भी दे दो ग्रीन वाले में भी। इसको? हाँ इसको ग्रीन में छोड़ो, ऐसे कितने तेज़ को सो रहा है ये, थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा थोड़ा डालते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा डालते हैं, और उसको मैं बहुत डालते हैं, तो ये किंतु बोरी है, थोड़ा थोड़ा ये स्नेक प्लांट होता है। हाँ तो बहुत वो आराम से नीचे नहीं गिराना, तो ये चप्पल तो बहुत है। तो नीचे हूँ पर को देते हैं सब कुछ पानी, उसको थोड़ा दे। अब और ये खराब होगी। हाय आपने इसको कट करना, कट ठीक है, टूडो कट, और उसको भी करना कट, उसको भी करना कट, ठीक है ओके। आने वाले परी 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 आराम से चलो उधर दो। आगे वाले में दो, अब इसमें दे दी है आपने। ओफ इसको
सबको दे दो, सबको देना है। उसको तो आप दे, ऊपर नहीं देना है। चलो क्यों उसको फस्ती है पर? ये नहीं थस्ती, बस हो गई अब। चलो चलो अब पढ़ाई करेंगे। नीबू पानी खत्म हो गया, चलो अब सबको देंगे। तो अभी 8 बज रहे हैं रात के और नीबू सो गया है, अभी सो गया थोड़ी देर पहले, क्योंकि आपको पता है दिन में सोता नहीं है वो, तो रात को फिर नींद लग जाती है उसको। पढ़ते पढ़ते नींद लगी थी, पर तब तो फिर थोड़ा डाइवर्ट कर दिया मैंने उसका माइंड, पर अब सो ही गया है वो। तो इसी के साथ कर रही हूँ आज की वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।